है गाइज गुड मॉर्निंग टू ऑल आइयो मेरी वॉइस ऑडिबल है वीडियो प्रॉपरली विजिबल है हेलो आकाश हेलो निधि हैलो रितिका हेलो खुशी हाउ आइयो गाइज आवाज़ क्लियर है वीडियो प्रॉपरली विजिबल है चलो बढ़िया सेशन को स्टार्ट करें तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब समझेंगे तो वेलकम टू एमबीशियस बाबा डॉट कॉम और मैं हूँ आपकी करेंट अफेयर्स एक्सपर्ट चलो गुड मॉर्निंग सबसे पहले देखेंगे कल का होमवर्क मैंने कल आपको दो सवाल दिया था पहला सवाल दिया था वर्ल्ड पार्किंसन डे तो वर्ल्ड पार्किंसन डे ये इलेवेंथ अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है आपको पहला तो आंसर यही याद रखना है दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा था विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रेटिफाई आरई सी पी एग्रीमेंट तो आर सी पी एग्रीमेंट जो है इसको रेटिफाई करने वाला पहला देश कौन सा है सिंगापुर ठीक है तो ये दोनों आई आयोब आपको क्लियर होंगे ये आपके होमवर्क थे और चलिए अपना आज का न्यूज देखते हैं न्यूज से पहले हमारे कल के पांच सुपरस्टार कौन थे यानी कि उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया राजा आकाश आरोही निधि और खुशी तो ये कल के पांच सुपरस्टार थे हमारे जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है हेलो मोनिका हेलो संजय गुड मॉर्निंग ठीक है अपनी आज की पहली न्यूज़ देखें चलिए बोहाग बिहू बर्ड काउंट हैज बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यानी बोहाग बिहू गणना अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है ठीक है तो आपको जैसे ही बिहू वर्ड दिखेगा आपको इजीली आंसर इसका मिल जाएगा बिहू फेस्टिवल जो है वो असम में सेलिब्रेट किया जाता है और बोहाग बिसु जो है वो असम में ही काउंट किया गया है बोहाग बिसु वर्ड को आपको पता होगा कि बोहाग बिहू जो होता है ये असमीस न्यू ईयर होता है जिस दिन से बेसिकली हिंदू कैलेंडर का न्यू ईयर स्टार्ट होता है ना उसी दिन से असम का भी जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट होता है ठीक है अच्छा अगर मैं आपको बिहू फेस्टिवल के बारे में बताऊं तो देखिए तीन बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं असम में पहला है बोहाग बिहू जिसको रंगोली बिहू भी, भी कहा जाता है और ये कब से स्टार्ट होता है अप्रैल से ठीक है दूसरा जो बिहू फेस्टिवल यहां सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन सा होता है वो होता है काती बिहू काती बिहू को कुाली बिहू भी, भी कहा जाता है और यह आता है अक्टूबर के मिड में तीसरा जो है यह है भोगाली बिहू इसे माघ बिहू भी, भी कहते हैं और यह आता है जनवरी के आसपास ठीक है तो ये तीन बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं असम में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि असम में बोहाग बिहू बर्ड काउंट शुरू किया गया है इस काउंट को बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा और वो पॉइंट क्या है वो पॉइंट ये है कि बोहाग बिहू को सात बिहू के नाम से भी जाना जाता है क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई गुड़ी पड़ोद महाराष्ट्र एब्सोल्यूटली ठीक है अब चलिए थोड़ा सा असम के बारे में जान लेते हैं आज मैं आप, आपको असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ तो सबसे पहले असम के सीएम आप सबको पता है सर्बानंद सोनोवाल है ठीक है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे असम हमारे देश में पहला स्टेट था जहाँ आफसा लगा था ठीक है नाइनटीन की बात है जब नागा हिल्स में आफसा लगाया गया था दूसरा आपको पता होगा लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ठीक है लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सी है भूपेन हजारिका जो लोहित रिवर पर है कहां है असम में ठीक इसके अलावा आपको पता होगा एशिया की सबसे ओल्ड रिफाइनरी जिसका नाम क्या है दिगबोई ये 1901 में स्टार्ट हुई थी कहां है असम में इसके बाद आपको पता होगा असम में यूनेस्को हेरिटेज साइट में आपके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है इसके बाद आपको पता होगा कि जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ठीक है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है मजुली कहा है असम में किस रिवर पर है ब्रह्मपुत्र आफसा मतलब मोनिका मैं आपको आफसा का मतलब बताती हूं ठीक है क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है आपसा बेसिकली आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर प्रोटेक्शन एक्ट होता है इस एक्ट के अंदर आपको पता हो काफी सारे राज्यों में अभी भी असम में लगा हुआ है नागालैंड में लगा हुआ है काफी सारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में आपको नॉर्थ ईस्ट वाले आपसा मिल जाएगा इसमें जो आर्मी होती है ना उनके पास बेसिकली पावर होती है कि वो सामने वाले को बिना कुछ बताए अरेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो अभी भी हमारे देशों में काफ़ी सारे स्टेट हैं जहां आपसा लगा हुआ है ठीक <laughs> है गुड मॉर्निंग क्या असम के बारे में आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए अगले सवाल पर बढ़े चलिए और आपको पता ही है हमारे देश का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर भी असम ही है व्हाट वाज द थीम फॉर द सिक्स्थ एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा रायसेना डायलॉग का कौन सा संस्करण कौन सा एडिशन है सिक्स्थ किसने इसका इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी थीम क्या है ठीक सबसे पहले थीम क्या है थीम है वायरल वर्ड, एंड आउट ऑफ़ कंट्रोल। तो आपको यहां से कौन सा वर्ड पिक करना है वायरल वर्ड्स। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छा अब अगर हम देखें यहां कि रायसेना डायलॉग्स क्या होता है अब इसके बारे में समझेंगे तो देखिए रायसेना डायलॉग का इस बार सिक्स एडिशन हुआ मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजेबल हो सिक्स एडिशन हुआ ठीक है थीम वायरल वर्ड्स कब से ये स्टार्ट हुआ है 2016 से ठीक है ये है क्या देखिए रायसेना डायलॉग बेसिकली जियो पोलिटिकल इवेंट है जिसमें बहुत सारे देशों के जो आप बोल सकते हैं हेड होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ठीक है इतना पॉइंट याद रहेगा अच्छा चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको पता है रायसेना हिल्स क्या है रायसेना डायलॉग क्या है तो आपको पता है भारत में जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं जैसे कि हमारा राष्ट्रपति भवन या बहुत सारी पीएमओस वो कहाँ है रायसेना हिल्स में है और रायसेना हिल्स कहाँ है ये दिल्ली में है ठीक है अच्छा यहां एक सवाल बनेगा कि रायसेना डायलॉग जो हुआ इसके चीफ गेस्ट कौन है इस बार के ठीक है और इसके जो चीफ गेस्ट हैं वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क जिनका नाम क्या है जिनका नाम है मेटे मेट फ्रेडरिक्सन ठीक है और दूसरे हैं प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा जिनका नाम है पॉल कग में। तो आपको यहां से मेट और पॉल का नाम याद रखना है ये इस बार के क्या थे ये इस बार के चीफ गेस्ट हैं रायसेना डायलॉग्स के ठीक तो है तो ये डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर हैं और रवांडा प्रेसिडेंट पॉल कगामे इस बार के चीफ गेस्ट हैं अभी ये इवेंट आगे बढ़ेगा तो जो स्कॉट मॉरिसन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसके अलावा और भी कई सारे लोग जैसे यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स माइकल वो लोग भी इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे ठीक है चलो तो ये तो होगा ही बात अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्ट कौन है तो जरा मुझे बताइएगा कि राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्ट कौन है और राष्ट्रपति भवन हमारे देश में कब इस्टेब्लिश हुआ था कब ये इसका कम, जो काम है वो कंप्लीट हुआ था ओके चलो अगला सवाल तब तक देखते हैं इंडिया से फर्स्ट फ्लोटिंग एल स्टोरेज एंड यूनिट हैज रैक्सीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ठीक है भारत की पहली फ्लोटिंग एल स्टोरेज एंड रैक्सीफिकेशन यूनिट निम्नलिखित में से किस राज्य में आई है ठीक है बिल्कुल बढ़िया है बढ़िया है रायसेना हिल्स के जो आर्किटेक्ट हैं आप लोग मुझे पार्लियामेंट के कुछ बच्चे आंसर दे रायसेना हिल्स का जो आंसर है ना वो ही है आपको पता है एडविन लुटन की दिल्ली कही जाती है और रायसेन सॉरी राष्ट्रपति भवन उन्होंने ही आर्किटेक्ट किया था यहां जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में हमारे देश की पहली फ्लोटिंग एल स्टोरेज अराइव हुई है और ये आपको याद रखना है क्या मेरी बात यहां क्लियर हुई है ठीक है अब देखिए ये जो फ्लोटिंग स्टोरेज और रेगिफिकेशन यूनिट है इसका फायदा क्या है इसका फायदा ये है कि इससे जो नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है ना वो ज्यादा फ्रेंडली तरीके में हो सकेगा ठीक है और ये एच एनर्जीज़ जैगर टर्मिनल महाराष्ट्र में अराइवड हुई है डन महाराष्ट्र के बारे में आपको पता है गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी कैपिटल है मुंबई चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार ओके okay? चलो अब यहां कुछ और पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं और वो पॉइंट्स रिलेटेड हैं जो भी फर्स्ट चीज है हमारे देश में ठीक है तो अगर आपको पता हो भारत का पहला फायर पार्क भारत का पहला फायर पार्क किस स्टेट में ओडिशा भारत का पहला टायर पार्क कहां है टायर पार्क मुझे बताइएगा डॉग पार्क कहाँ है चंडीगढ़ ठीक है चंडीगढ़ में एक और भी था एम्प्यूट क्लिनिक ये वेस्ट बंगाल है एब्सोल्युटली ठीक है वेस्ट बंगाल में आपको याद होगा लाइब्रेरी बोर्ड भी स्टार्ट किया गया था ठीक है पहली सोलर पावर बेस्ड जो बोट हमारे देश में चलाई गई थी उसका नाम क्या था आदित्य ठीक है इसके अलावा आपको याद होगा पहली सोलर पावर बेस्ड टेक्सटाइल मिल ओपन की गई थी कहा महाराष्ट्र में ठीक इतनी बात क्लियर है मेरी हाँ इसके अलावा जेंडर पार्क जेंडर पार्क कहां ओपन किया गया था केरला में देखिए नॉर्थ इंडिया का ये नॉर्थ इंडिया का पहला है ठीक है ये नहीं आ, ओवरौल है। ओवरौल तो तिलंगाना में है। कि ओवरऑल ओवरऑल है तो तेलंगाना पॉलिनेटर पार्क है ऐसे देखिए बहुत सारे पार्क है मैं आपको लिस्ट अभी यहां एक साथ नहीं दे सकती पॉलिनेटर पार्क है फिर आपको पता होगा पहला ड्राइवर लेस मेट्रो कार चलाया गया था जिसका राजनाथ सिंह ने इनोग्रेशन किया था तो फिर आपको याद होगा एक स्मॉल ट्रेन चलाई गई थी जैसे काफी सारे पॉइंट्स हैं तो कुछ पॉइंट्स को हमने आज रिवाइज किया है बाकी पॉइंट्स को हम आने वाले दिनों में रिवाइज करेंगे ठीक चलो अगला सवाल देखिए विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च आहार क्रांति मिशन आहार क्रांति मिशन अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है ठीक है तो आपको मुझे आहार क्रांति अब देखिए आहार क्रांति से मतलब क्या है आहार क्रांति से मतलब है कि एक बैलेंस एक प्रॉपर डाइट देना संपूर्ण आहार देना और संपूर्ण आहार वाला जो ये क्रांति मिशन है इसको हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के द्वारा यानी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है जो किसके पास है डॉक्टर हर्षवर्धन के कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री किसके पास है पीयूष गोयल के पास एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किसके पास है नरेंद्र सिंह तोमर के पास कंज्यूम सॉरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके पास है निर्मला सीतारमन के पास इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है और एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट किसके पास है प्रकाश जावड़कर के पास <laughs> ठीक है फटाफट फड़ सेशन को सबसे लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जो भी बच्चे आज नहीं आए हैं थोड़ा लेट हैं, उनकी तो पिटाई होनी है चलो यहां तक बात क्लियर है आइए अगले सवाल की तरफ तो बढ़ते हैं अगला सवाल है गुलरमो लासो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गुलरमो लासो को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी अपॉइंट किया गया है ठीक है और ये देश है एक्वाडोर कौन सा दोष है देश है एक्वाडोर तो एक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है इनके नए प्रेसिडेंट का नाम है गुलरमो लासो ठीक है ये 65 इयर्स के हैं और बेसिकली ये फॉर्मर बैंकर रह चुके हैं फ्री मार्केट को ये सपोर्ट करते हैं ये आपको ध्यान रखना है एक्वाडोर की कैपिटल क्या है एक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो और यहाँ करेंसी चलती है डॉलर डॉलर चलती है ठीक है ध्यान रखिएगा अब आपको पता है रिसेंटली काफी सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो कुछ मैं आपको रिवाइज करा देती हूं सबसे पहले आ जाते हैं वियतनाम के ऊपर तो वियतनाम में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही चेंज हुए हैं तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है प्राइम मिनिस्टर हैं फम मिन चिन और प्रेसिडेंट कौन है प्रेसिडेंट नगवेन जुआन फुक याद है ये बिल्कुल लेटेस्ट है ठीक है उसके बाद अगर आपको याद हो तो आ, तंजानिया आपको याद होगा तंजानिया की पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है क्या नाम है उनका सामिया सुलू हसन ठीक है उसके बाद अगर मैं आपको और बताऊं तो इसके अलावा आपको याद होगा जॉर्जिया ठीक है जॉर्जिया के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम क्या है इराकली बसविली तो इराकली याद रखिए ठीक है इसके बाद अगर हम आए तो नेदरलैंड्स के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है मतलब नए नहीं है वापस है बट इनका अपॉइंटमेंट हुआ है मार्क रूटे ठीक है इसके बाद अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं क्या नाम है इनका डेनिस नगुएसो ठीक है इसके अलावा नाइजर के भी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है मोहम्मद बोजुम ठीक है तो ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है बट कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको रिवाइज करा दी है चलो तो यहां एक और कौन सा आ गया है एक्वाडोर ठीक है चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं न्यू डी जी ऑफ नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन अपॉइंट किए गए हैं ठीक है अब इनका नाम क्या है इनका नाम है सिद्धार्थ लोगम। सिधार्त लोगम सिद्धार्थ जो है ये नए डीजी हैं हमारे देश में नाडा के ये पॉइंट क्लियर है जीपी समंता चीफ स्टेटिशियन ऑफ इंडिया वेणु श्रीनिवासन टीवीएस ग्रुप के हेड नौरिन हसन आपको याद होंगी ये सीओ एंड वाइस प्रेसिडेंट बनी है फेडरल बैंक की ठीक है फेडरल रिजर्व बैंक जो कि यूएस में है डन है यहां तक बात चलो तो यहां सिद्धार्थ लोग याद कर लेने हैं ये नए नाडा के डीजी हैं, नाडा का काम आपको हमारे देश में पता ही है एंटी डोपिंग एजेंसी है ठीक है नाडा का हेडक्वार्टर कहां है हमारे देश की कैपिटल नई दिल्ली में ये स्टैब्लिश कब हुआ था 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर आता है और इसका मोटो है प्ले फेयर हाँ, नवीन अग्रवाल को इन्होंने रिप्लेस किया एप्सोलूटली ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स अंबेडकर जयंती और भीम जयंती ऑन हर साल भारत में अंबेडकर जयंती या भीम जयंती कब मनाया जाता है ठीक है तो आप सबको इसका आंसर पता है हेलो शिवम ठीक है कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स भी दी थी तो भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का जन्म आपको पता ही है मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और फोर्टीन अप्रैल को हुआ था सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फोर्टीन अप्रैल तो फोर्टीन अप्रैल को हम क्या मनाते हैं अंबेडकर जयंती इसको इक्वालिटी डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है याद रखिएगा इंटरनेशनल इक्वालिटी डे टू द यूएन भारत ने ऐसी डिमांड की है कि हम इंटरनेशनल इक्वालिटी डे ऑब्जर्व करें चौदह अप्रैल को ठीक है तो याद रहेगा 1891 में जन्म हुआ था बाबा साहेब का डन है बात क्लियर है बात चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इंटरनेशनल टर्बन डे पगड़ी अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल टर्बन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश हाँ वन थर्ट इज ठीक है तो देखिए जो टर्बन डे होता है ना ये थर्टीन अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया ठीक है कब किया गया तेरह अप्रैल को तेरह अप्रैल को इस बार इंटरनेशनल टर्बन डे ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल टर्बन डे का पर्पज क्या है देखिए 2021 टर्बन डे मार्गद फाइव फिफ्टी सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव एंड फेस्टिवल ऑफ बैसाखी तो पांच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव और फेस्टिवल ऑफ बैसाखी जो है उसी दिन टर्बन डे ऑब्जर्व किया गया टर्बन आपको पता ही होगा कि जो सरदारों में पगड़ी लगाते हैं इनमें आपको पता है मेल फीमेल दोनों ही लगाते हैं उसको दस्तर भी बोलते हैं उसको पगड़ी भी बोलते हैं उसको पग भी बोलते हैं ठीक डन है जी चलो अगला सवाल देखिए अगला सवाल है आई ए रहमान पास्ट अवे रिसेंटली ही वॉज अ डैश ठीक है आई ए रहमान जिनका भी हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे एनवायरमेंटलिस्ट फोक सिंगर सोशल एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड हिस्टोरियन ठीक है तो सबसे पहले तो आई ए रहमान के बारे में जान लीजिए आई ए रहमान ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे क्या थे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अधिकारी कार्यकर्ता पर किस देश के थे इंडिया के नहीं थे पाकिस्तान के थे ठीक है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे ये पाकिस्तान के नोटेड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड मैगसिस अवॉर्ड विनर आई ए रहमान डाइड इन लाहौर एट नाइनटी अब ये नाम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी सेक्शन है क्रिश्चियंस और हिंदूज हैं उनके लिए और हिंदू बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की यूनिटी के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की थी डन ठीक है तो याद रखिएगा ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बात क्लियर हो गई चलो बढ़िया याद रखिएगा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आपको पता होगा पहले रमन मैक्सिस अवॉर्ड के विनर कौन है और कौन सा देश यह अवार्ड देता है जरा मुझे यह भी बता दीजिए यह बताइए कि इसके पहले विनर कौन थे और कौन सा देश यह अवार्ड देता है बो है, बहुत पिटाई होने वाली है वॉट इज द कैपिटल ऑफ एक्वाडोर ठीक है एक्वाडोर की राजधानी क्या है अभी बताया था क्लास में ठीक है तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन का तब तक मैं आपको आंसर दे दूँ रमन मैक्सिस अवार्ड के पहले विनर थे विनोबा भावे और ये अवार्ड फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है ठीक है तो सबसे पहले कैपिटल ऑफ एक्वाडोर क्विटो एंड करेंसी ऑफ एक्वाडोर क्या होती है डॉलर क्योंकि हमने आज एक्वाडोर के बारे में बात किया है अच्छा भाई ये जो अजीब से नाम का उगा ये कहां की कैपिटल है ये कैपिटल है बर्की बुरकीना फासो इसे बु कर लीजिए बुरकीना फासो ठीक है जजमाने फट कहा की कैपिटल है फटाफट बताइए चेड बमाको कहाँ की कैपिटल है माली और गीतगा कहाँ की कैपिटल है बुरुंडी क्या मेरी बात क्लियर हो गई ठीक है बुरकीना फासोहा एक देश का नाम है ठीक है तो उगादुगो बुरकीना फासो दुजमाने चेड बमाको बेसिकली माल, माली गीतिका बुरुंडी और क्विटो हमारा एक्वाडोर डन है चलो तो ये डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ अगले सवाल पर आते हैं एक स्टैटिक क्वेश्चन है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है अभी बताया था जरा मुझे नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये भी बता दीजिए अक्षा इसे आप एक दो बार डेली रिवाइज़ करेंगे ना इसीलिए मैं जब भी कोई कंट्री आती है ना उसकी कैपिटल आपको डेफिनेटली बता देती हूँ ताकि आपका वो रिवीजन होता रहे आप इनको कुछ दिन रिवीजन करिए इनमें से काफ़ी सारी जगहें आपको याद हो जाएंगी तो सबसे पहले नाडा का हेडक्वाटर कहाँ है नाडा का हेडक्वाटर है नई दिल्ली में तो हेड क्वार्टर ऑफ नाडा इज इन न्यू डेली एंड नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है यस सुनील शेट्टी ठीक है तो बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी जो है वो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये भी याद रखिएगा डन चलो तो अभी आपको पता ही है नए नाडा हेड अपॉइंट किए गए हैं नाडा ट्वेंटी फोर्थ नवंबर टू थाउजेंड फाइव को स्टेब्लिश हुआ था अगला सवाल देखिए अच्छा विच इंडियन वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यू यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम सॉरी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के एसोसिएट प्रकाशक यानी प्रशासक के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है कोई बात नहीं खुशी हम धीमे धीमे हर दिन पढ़ेंगे और हर दिन रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा ठीक है तो यूएनडीपी सबसे पहले यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर कहां है न्यूयॉर्क में कब स्टेब्लिश हुआ था ये 1965 में और अभी इसके हेड का नाम क्या है एच एम स्टेनर एंड द आंसर इज ऊषा राव मोनारी ऊषा राव मोनारी इज द न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएनडीपी ठीक है तो ये हैं ऊषा राव मोनारी और यही अपॉइंट की गई हैं याद रख लीजिएगा यूएनडीपी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर में डन गलती नहीं करेंगे ना चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नैनो स्नीफर इज द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च बाय तो नैनो टेक्नोलॉजी विच इज एन इंक्यूबेशन स्टार्टअप बेस्ड ऑन तो देखिए नैनो आपको पता होना चाहिए ये एक माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है ठीक है इसको नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है ये जो टेक्नोलॉजी ये जो स्टार्टअप है ये इनमें से किस आईआईटी की इंक्यूबेशन है ठीक है अच्छा सबसे पहले ये जो नैनो स्नीफर है इसका पर्पस क्या है देखिए ये दस सेकंड के अंदर कहीं भी अगर बॉम्ब है या कोई भी ऐसा एक्सप्लोसिव है कुछ भी है उसको डिटेक्ट कर लेगा ठीक है एंड द आंसर इज आईआईटी बॉम्बे एब्सोल्यूटली तो आईआईटी बॉम्बे ने नैनो स्नीफर की एक स्टार्टअप है नैनो स्नीफर टेक्नोलॉजी जिसने नैनो स्नीफर सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिरेक्टर बनाया है तो करेक्ट आंसर इज क्या करेक्ट आंसर इज आई आई टी बॉम्बे डन है इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया इसको लॉन्च किया गया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक के द्वारा ठीक अगला सवाल आ जाइए अगला सवाल है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली गिफ्टेड रूपीज हंड्रेड करोड़ पेट्रोल वेसल पीएस जोरोस्टर टू विच कंट्री तो अभी हमारी भारत सरकार ने सौ करोड़ रुपए का एक गश्ती पोस्ट है एक पेट्रोल वेसल है पीएस जोरोस्टर ये किस देश को उपहार में दे दिया है ठीक है आम चलो क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई है ठीक है यहां तक क्लियर है बात ना ओके okay? चलो चलो बढ़िया तो अब अगला जो पॉइंट जान लेते हैं वो पॉइंट यहां आंसर क्या है यहां आंसर है शीशस ठीक है नीरज गुप्ता देखिए नीरज गुप्ता ऐसे कोई आपको बहुत फेमस पर्सनैलिटी नहीं मिलेंगे तो आप उनको इग्नोर करिए ठीक है ठीके? यहां जो करेक्ट आंसर है वो है शीशस ठीक है तो शीशल वो देश है ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसी को इंडिया ने ये गिफ्ट किया है बात अगर मैं आपको सेशल्स के बारे में बताऊं तो देखिए ये बहुत सारे आइलैंड 115 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है ठीक है ये कहाँ है ये अफ्रीका में है इंडियन ओशन पर है ये ठीक है इंडियन ओशन में है। ये एक आइलैंड कंट्री है जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ करेंसी क्या चलती है यहाँ करेंसी चलती है रुपी यहाँ की कैपिटल क्या है यहाँ की कैपिटल है विक्टोरिया ठीक है और वेवल रामाकृष्णन रामा कलवन ठीक है ये यहां के प्रेसिडेंट हैं इस देश को लेकर काफी सारे पंगे रहे हैं आ, फ्रांस और यूके के बीच में यूके पर ब्रिटिश का यहां कब्जा था और 1976 में ये देश फ्री हो गया था कहां से यूके से अफ्रीकन कंट्री में सबसे हाईएस्ट जीडीपी इसी देश की है ठीक <laughs> है तो ये आपको मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है सेशन के बारे में इनके आसपास के जो देश हैं वो आपको पता होंगे इनके आसपास के देश कौन से हैं वही मेडागास्कर मॉरिशस जो आइलैंड कंट्रीज है ना वही है इनके आसपास <laughs> ठीक है अच्छा आप सबको पता होगा आप क्योंकि मोदी जी की बात आई है क्वेश्चन की बात आई तो आपको पता ही होगा सीबीएसई ने अपने टेंथ के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और ट्वेल्थ का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है ठीक चलो आज कहाँ चलने वाले हैं आज चलने वाले हैं हम मिजोरम की तरफ मिजोरम की कैपिटल क्या, क्या है आइजोल ये यह भी ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को बनी थी सीएम कौन है जोराम थांगा और गवर्नर कौन है पी श्रीधर पिलाई नीरज गुप्ता ठीक है नीरजा थी वो यस सोनम कपूर वाली जो मूवी थी वो नीरजा थी ठीक है नीरजा के बारे में आपको बार बता दूंगी चलो यहां एनिमल क्या है सैरो बर्ड क्या है ह्यूम्स फिजेंट ट्री क्या है इंडियन रोज चेसनस्ट और फ्लावर क्या है रेड वंडा टोटल डिस्ट्रिक्ट इज इलेवन टोटल लेजिस्लेटिव सीट यानी विधानसभा सीट चालीस राज्यसभा और लोकसभा सीट यहां आपको सिर्फ एक एक मिलेंगी ठीक है डन है बात तो ये आपको मिजोरम एजवाल जिसकी कैपिटल है ये पूरा इंफॉर्मेशन याद रखनी है और अभी हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में अभी हम नागालैंड की तरफ भी जाएंगे और कुछ और इंफॉर्मेशन को नॉर्थ ईस्ट से लेकर आएंगे ठीक है अब मार्च का रिवीजन कर लेते हैं चलो पहला रिवीजन पॉइंट क्या है इंडिया से रैंक इन डेमोक्रेसी रिपोर्ट टाइटल फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021। यानी आपको याद ही होगा भारत को फ्री कंट्री से पार्शली फ्री कंट्री की तरफ कर दिया गया है और इसमें इंडिया की रैंक है 71। सबसे ज्यादा फ्री कंट्री कौन सी है फिनलैंड इसके बाद अभी फेडरल रिजर्व बैंक की सीईओ और वीपी पहली कौन अपॉइंट की गई थी नौरीन हसन बार बार रिवाइज कराती हूँ इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हुज बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ यू तो यू के ऑफिस में सेक्रेटरी जनरल अभी कौन अपॉइंट की गई है लीगया नोरोना और किस बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ सैलरी अकाउंट को हैंडल करने के लिए क्या किया था इन्होंने एमओयू साइन किया था कोटेक महिंद्रा बैंक। इतनी बात क्या आपको क्लियर हो गई है ठीक है ये तो हो गया रिवीजन पॉइंट अच्छा आज का होमवर्क क्या है आज का पहला सवाल है विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च दी लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम फॉर पुअर स्टूडेंट यानी पुअर स्टूडेंट्स के लिए लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है एंड हु हैज बीन एवॉर्डेड देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 ट्वेंटी देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 किसको मिला है अब यहाँ बात चल रही थी नीरजा बहनोद की आई होप आप सबको पता होंगी नीरजा बहनोत कौन थी ये हमारे देश का उतना ही इंपॉर्टेंट नाम है जितना कि कोई और नाम है मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मेरे हिसाब से क्योंकि उनका जो काम था वो बहुत ही अलग लेवल का था इनके नाम पर एक अचीवमेंट भी है क्या अचीवमेंट है जरा बताइए मुझे अशोक चक्र को लेकर इनके पास एक अचीवमेंट है क्या है वो अचीवमेंट जरा बताएंगे आप मुझे निशाने पाकिस्तानी रिसिपेंट भी बिल्कुल देखिए नीरजा बहनों तो बहुत सारे अवार्ड को इन्होंने जीता था अवार्ड उनको उनकी ब्रेवरी के लिए मिला था बट मेरा आपसे सवाल है अशोक चक्र को लेकर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है निर्दा बहनोत का वो अवॉर्ड क्या है ढूंढ कर आइएगा मैंने आपको डिटेल दे दी है और आपको मुझे बताना है कि क्या है ये पॉइंट ओके okay. नीरजा बहनोत क्योंकि मुझे एक आंसर थोड़ा दिखी गया तो मैं आपको बता देती हूँ नीरजा बहनोत जो थी ना ये पहली सिविलियन थी जिनको अशोक चक्र अवार्ड मिला था आपको पता होगा अशोक चक्र अवार्ड मिलिट्री अवार्ड है हमारे देश में ये जो मिलिट्री जो आर्म्ड फोर्स वाले हैं उनको मिलता है बट शी इज द फर्स्ट इंडियन सिविलियन जिनको अशोक चक्र अवार्ड मिला था दैट इज नीरजा बहनोथ ठीक है तो आई होप आपको ये पॉइंट याद रहेगा गलती नहीं करिएगा एग्जाम में ये सवाल आता है ठीक है आपसे बार बार ये पॉइंट पूछा जाता है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको जैसा कि मैंने बोला इनको बहुत सारे देशों से अवार्ड मिला था ठीक है यूएसए मिला था फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन तमंगा ए पाकिस्तान अवार्ड मिला था जो आपको पता है पाकिस्तान का बेसिकली अवार्ड होता है ठीक है ऐसे यूके बहुत सा, सारे अवार्ड इनको मिले थे इनकी बहादुरी के लिए आप सबको नीरजा बहनोद के बारे में पता होगा नीरजा एयर होस्टेस थी एब्सोल्युटली ठीक है चलो जिसने नहीं देखी है मूवी कभी टाइम मिलेगा तो बिल्कुल मूवी देखिएगा नीरजा मूवी एक ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए जिसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए उस इंसान की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए जिन्होंने कुछ ऐसा किया था ठीक है इसी के साथ सेशन को यही खत्म करते हैं सेशन पसंद आया तो हिट द लाइक बटन गाइस लाइक बटन दबाने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग ठीक है इसके अलावा पीडीएफ जो है वो थोड़ी देर बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं बट लाइव क्लास में देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैं एडिशनल चीजें बताती हूँ ना वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलती हैं तो उन एडिशनल चीजों के लिए आपको क्लास को देखना पड़ेगा पी सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन पर्पज से रखना है जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है जो पुराने रिविजन या जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देती हूँ क्लास में वो आपको पी में नहीं मिलते हैं तो क्लास को डेफिनेटली देखा करिए रिविजन के लिए पी यूज किया रहे हैं। नहीं दो बार नहीं ठीक है चलो ध्यान रखिए अच्छे से रहिए ठीक है ठीक है? है ना कोविड फैल रहा है बहुत तेजी से फैल रहा है बहुत ध्यान रखिए बहुत प्रिकॉशन रखिए देश में टू लैख के आसपास किस अब आ रहे हैं कोविड के और ये नंबर्स आपको आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ ही दिखेगा तो प्लीज टेक केयर स्टे सेफ मास्क पहनिए बिना मास्क के नहीं निकलिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी ठीक है क्या होता है बहुत बार जब क्लास बीच में चल रही होती है ना तो मैं सबके कमेंट नहीं देख पाती हूँ तो इसलिए किसी कुछ बच्चों के विश रह जाते हैं बट आप समझदार रहें किसी के कोई डाउट है क्या या सेशन को एंड कर दूं मैं